नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने आज दुर्ग संभाग के सभी कलेक्टर से वन विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कृषि उद्यानिकी मछली पालन और पशु चिकित्सा विभाग के विभागीय कार्यों और गतिविधियों की जिलावार समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग दुर्ग के सभाकक्ष में आज सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने जिलेवार विभिन्न विभागीय योजना अंतर्गत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और सभी कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में खरीफ वर्ष 2024 की प्रगति की समीक्षा तथा रबी वर्ष 2024-25 की कार्य योजना और कार्यक्रम निर्धारण पर विस्तृत समीक्षा की गई। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि सभी कलेक्टर धान की परंपरागत खेती से हटकर खेती में विविधता लाने का प्रयास करें और धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, उद्यानिकी एवं नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मिलेट की मांग बढ़ रही है और इसे ध्यान में रखते हुए मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाएं। उन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोड़ने के भी निर्देश दिए। संचालन मत्स्य विभाग द्वारा जिलेवार विभाग की प्रगति की जानकारी देते हुए मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई गई। इसी प्रकार संचालन उद्यानिकी द्वारा सभी जिलों में संचालित कार्यक्रमों व गतिविधियों, उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात की संभावनाओं की जानकारी देने पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने उद्यानिकी विभाग के रिक्त पदों की भर्ती किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में धान का रकबा कम करने की रणनीति एवं सुझाव, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मछली पालन हेतु पट्टा एवं प्रचलित योजनाओं को प्रभावी बनाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस अवसर पर आयुक्त दुर्ग संभाग श्री SN राठौर, कलेक्टर दुर्ग सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर बालोद श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, कलेक्टर बीमे द्वारा श्री रणबीर शर्मा, कलेक्टर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी श्री S जयवर्धन, कलेक्टर खैरागढ़ छुई खदान गंजई श्री चंद्रकांत वर्मा तथा राजनांद गांव के जिला पंचायत CEO सुश्री श्रुदे सिंह सहित जिला एवं संभाग स्तर के अधिकारीगण उपस्थित थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।